बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि सोलेनॉइड जो कॉइल होती हैं ये कैसे चेक की जाती हैं। सोलेनॉइड कॉइल को रिप्लेस करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी कॉइल सही काम कर रही है और कौन सी कॉइल सही काम नहीं कर रही। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कॉइल ख़राब है या ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। इसको हम मल्टीमीटर के साथ चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये मुख्तलिफ़ कॉइल्स पड़ी हुई हैं। हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी कॉइल ठीक काम कर रही है और कौन सी कॉइल ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर चाहिए। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे और इस मीटर के साथ हम चेक करेंगे कि मीटर हमारा सही काम कर रहा है। अभी हम इस कॉइल को चेक करते हैं कि ये कॉइल हमारी ठीक काम कर रही है या ये फॉल्टी है। और मीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैंने एक दूसरी वीडियो में बता दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अभी ये जो इसकी वायर है ये अर्थ वायर है और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये कॉइल में तीन वायर्स हमें नज़र आ रही हैं। ये अर्थ वायर है जो ग्रीन कलर की है और ये सप्लाई के दो पॉइंट्स हैं। ये यहाँ पर सप्लाई हम देंगे। ये 110 वोल्ट पे काम करती है ये कॉइल। कॉइल जो है वो 24 वोल्ट की भी होती हैं और 110 वोल्ट की भी होती हैं। और ये जो कॉइल मेरे पास पड़ी है ये 110 वोल्ट की है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है। तो हम इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं होता। सिंपल हम इसको एक टिप यहाँ लगाएंगे, दूसरी टिप यहाँ लगाएंगे और मीटर के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास कोई इसकी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही। तो अभी इस केस में इस कॉइल में हमें कंटिन्यूटी नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है ये कॉइल डैमेज हो चुकी है। अभी मेरे पास एक दूसरी कॉइल पड़ी है, मैं इसको चेक करता हूँ कि ये कॉइल ठीक है या नहीं है। तो एक मैं इसको मैंने छोड़ दिया जो अर्थ वायर है, इसके साथ मैं इसको चेक करूँगा। एक मीटर टिप यहाँ लगाऊंगा मीटर की, दूसरी टिप यहाँ लगाऊंगा, तो ये मेरी कंटिन्यूटी दे रही है। इसका मतलब होगा ये मेरी कॉइल ठीक काम कर रही है। लेकिन इस ठीक को मैं वेरीफाई भी करूँगा कि ये कहीं पर शॉर्ट तो नहीं आ रही। यहाँ पर चेक करूँगा और यहाँ भी चेक करूँगा। इसको मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये यहाँ पे कोई इसकी साथ शॉर्ट नहीं आ रही, अपनी फेस के साथ बॉडी के साथ कहीं शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब है ये कॉइल मेरी ठीक काम कर रही है। इसको मैं अभी ये दूसरी कॉइल है, मैं इसको भी चेक करता हूँ। बारी बारी सबको चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी ठीक है या कौन सी नहीं है। अगर ये कॉइल कंटिन्यूटी दे रही है तो ये कॉइल ठीक होगी, अगर नहीं दे रही तो ये कॉइल ख़त्म हो चुकी है और जल गई है। अभी इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये कॉइल डैमेज हो चुकी है, ये ख़राब हो चुकी है। अभी इस कॉइल को मैं साइड करता हूँ, अभी इस कॉइल को मैं चेक करता हूँ। इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, सेम यहाँ पे इसको चेक करेंगे। एक पिन यहाँ लगाएंगे, एक इसका टर्मिनल यहाँ लगाएंगे, तो इसमें किसी किस्म कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब ये भी कॉइल सही है, सॉरी ख़राब है, डैमेज है। तो इस तरह जो भी कॉइल हम चेक करेंगे तो इसी तरह अगर वो कंटिन्यूटी दे रही होगी तो वो कॉइल ठीक होगी, अगर वो कॉइल कंटिन्यूटी नहीं दे रही तो वो कॉइल डैमेज होगी। किसी भी कॉइल को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। थैंक यू।